दशमलव का वर्गमूल स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल्स। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं विशाल क्या कर रहा है। विशाल की गेंद छत पर चली गई है, जिसे वापस लाने के लिए उसने दीवार से एक सीढ़ी इस प्रकार लगा दी है। छत की ऊंचाई 5.5 मीटर है और सीढ़ी की लंबाई 7.3 मीटर है। क्या आप बता सकते हैं कि विशाल ने सीढ़ी को दीवार से कितनी दूरी पर लगाया है? यदि हम आकृति को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। चलिए इसे त्रिभुज ए बी सी नाम देते हैं। यहाँ ए बी छत की ऊंचाई है, कोण बी एक समकोण है और ए सी सीढ़ी की लंबाई है। हमें यहाँ बी सी की लंबाई ज्ञात करनी है, जो कि इस त्रिभुज का आधार है। मान लीजिए इसका मान x है। हम x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग आधार और लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज ए बी सी के लिए हम लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सभी का मान रखने पर हमें मिलेगा x घात 2 बराबर 23.04। लेकिन हमें x का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमें संख्या 23.04 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा। हम यह भागफल विधि से करेंगे। यह भाज्य है, यहाँ हम भाजक को लिखेंगे और यहाँ भागफल को लिखा जाएगा। इस विधि द्वारा प्राप्त भागफल ही इस संख्या का वर्गमूल होगा। सबसे पहले हम संख्या 23.04 पर बार लगाएंगे। यहाँ पर दो भाग हैं, एक भाग में पूर्ण संख्या है और दूसरे में दशमलव संख्या है। इन दोनों भागों में हम बार अलग अलग तरीके से लगाते हैं। पूर्ण संख्या में हम इकाई स्थान से शुरुआत करते हुए बाईं तरफ अंकों का युग्म बनाकर उन पर बार लगाते हैं। यहाँ 23 पर एक ही बार लगेगा। दशमलव संख्या में बार लगाने के लिए हम दशमलव से शुरू करते हैं और दाईं तरफ अंकों का युग्म बनाकर बार लगाते हैं। यदि किसी संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या विषम है तो हम अंत में अकेले बचे अंक के आगे शून्य लिखकर उसका युग्म बना देते हैं। ध्यान दीजिए कि दशमलव संख्या के अंतिम शून्येतर अंक के बाद शून्य जोड़ने पर संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ बार लगाने के बाद अगले चरण में वह सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करेंगे, जिसका वर्ग सबसे बाएं वाले बार के नीचे वाली संख्या के बराबर या उससे छोटा हो, यानी ऐसी संख्या जिसका वर्ग 23 के बराबर या उससे छोटा हो। 4 का वर्ग 16 होता है, जो 23 से छोटा होता है, और 5 का वर्ग 25 होता है, जो 23 से बड़ा होता है। इसलिए हम संख्या 4 को चुनेंगे। प्राप्त संख्या 4 हमारा भाजक डिवाइजर है और साथ ही इस संख्या के वर्गमूल का पहला अंक भी, जिसे हम भागफल में लिखेंगे। सबसे बाएं वाले बार के नीचे वाली संख्या 23 को भाज्य मानते हुए और 16 को उसके नीचे लिखते हुए शेषफल रिमाइंडर ज्ञात करेंगे। यहाँ प्राप्त शेषफल 7 है। हमारी मूल संख्या में सारी पूर्ण संख्याएं समाप्त हो गई हैं और दशमलव संख्याएं बची हुई हैं। अतः हम भागफल में दशमलव लगा देंगे, फिर अगले युग्म की संख्या को प्राप्त शेषफल के बाद लिखेंगे। वो संख्या यहाँ पर 04 है और इस तरह हमारी अगली भाज्य संख्या 704 है। अब नए भाजक के लिए पहले भाजक में इकाई वाली संख्या को 2 से गुणा करेंगे। प्राप्त संख्या के दाईं ओर एक रिक्त स्थान छोड़ते हुए यहाँ लिखेंगे। अब रिक्त स्थान को भरने के लिए वह सबसे बड़े संभावित अंक का अनुमान लगाएंगे, जो कि भागफल में दशमलव के बाद का पहला अंक होगा, और जब नए भाजक का उसी नए अंक से गुणन हो तो प्राप्त गुणनफल भाज्य से छोटा या उसके बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा नया अंक 8 होगा।
8 को भागफल में दशमलव के बाद लिखा जाएगा। इसके बाद 704 को नए भाज्य संख्या के नीचे लिखेंगे और उन्हें घटा देंगे। यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है और मूल संख्या में कोई भी अंक शेष नहीं बचा, इसलिए संख्या 23.04 का वर्गमूल 4.8 होगा। यहाँ ध्यान दीजिए कि हमें इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहना होगा जब तक मूल संख्या के सभी अंकों का भाग नहीं कर दिया जाता है। अगर अंत में शेषफल शून्य आ जाता है तो भागफल इस दी गई संख्या के वर्गमूल के बराबर होगा। लेकिन अगर किसी संख्या के लिए शेषफल शून्य नहीं आता है तो इस संख्या के अंत में शून्यों के एक और युग्म जोड़कर इस प्रक्रिया को करते रहना होगा या फिर इस संख्या के वर्गमूल का अनुमान लगाना होगा। इससे हमें x का मान 4.8 प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि विशाल ने छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी को दीवार से 4.8 मीटर की दूरी पर लगाया है। तो इस वीडियो में हमने दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना सीखा। अगले वीडियो में हम इससे जुड़े उदाहरण देखेंगे। धन्यवाद।